नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि बिहार के राजनीति में उठा पटक तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर टूट और विरोध कहीं नजर आता है तो वह जनता दल यूनाइटेड। लेकिन बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा काफी आगे सोचते हैं। जनता दल यूनाइटेड को टूट से बचाने और दरभंगा को सुरक्षित रखने के, क्योंकि दरभंगा मधुबनी उनका क्षेत्र माना जाता है, तो दरभंगा में जदयू के टूट को बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा अपनी निगाहें न डाल सके, यहां को तोड़ न सके, उन्होंने इसे लेकर के 3 कार्यक्रम किया। नाम था भीम संवाद। भीम संवाद के तहत बेनीपुर, बिरौल और दरभंगा में आज बहुउद्देश्य भवन में किया। सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। सबको संदेश भी दिया गया किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जो जनता के बीच हुआ है उसे जनता के बीच ला। इसके अलावा उन्होंने कई सारे में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम का मटेरियल भी बताया। हालांकि काफी खच्चा खच भीड़ में सभी ने अपने बात को रखा, जिसमें विनय चौधरी बेनीपुर के विधायक के अलावा संजय झा ने जो महत्वपूर्ण बात की, हम बता दें संजय झा काफी अहम कार्य कर रहे हैं। वो पूरे दरभंगा को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके जोड़ रहे हैं, जनता की भावनाओं को जोड़ रहे हैं, उपलब्धियों को जोड़ रहे हैं। आपने देखा कि कई ऐसे बांध हैं जिनको सड़क से जोड़ा गया है और उन्हें मजबूतीकरण सुदृढ़ीकरण किया है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। बाढ़ नहीं आ रही है, इसके लिए उन्होंने पूरा जो रोड मैप तैयार किया था वो सफल हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो संजय झा हैं वो अपने कार्य योजना से जनता के बीच प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं और आने वाले 2024 की चुनाव भी नजदीक है, इसके लेकर के उनकी निगाहें भी 24 के चुनाव पर। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में बिहार में कोई एक सीट मांगेंगे तो एक बार फिर संजय झा के लिए मांगेंगे, वो है दरभंगा सीट। दरभंगा सीट में कई उम्मीदवार हैं, इसमें उठापटक हो सकती है, लेकिन संजय झा का कार्ड लगाता है। आज देखिए संजय झा ने जो बड़ी बातें कही है उसे दरभंगा की जनता के बीच लाने के लिए जदयू नेताओं को एक टास्क दिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर में वो काम लंबे एक महीना में तैयार हो जाए, इसलिए मैं जो बात लगाए तो सरकार ने काम किया। इन सब बातों को हमने 17 साल उसका बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ा। मैं पहले ही कहा नहीं था रिजर्वेशन कि बड़ी संख्या में सभी कास्ट कम्युनिटी के लोग या पंचायत समिति में जिला परिषद वार्ड सदस्य बन के आ रहे हैं, इस प्रकार के आरक्षण का लिए या उनकी पढ़ाई के लिए हरेक जिला में छात्रावास बनाया गया। अभी समाधान यात्रा में बहुत सारा छात्रावास देख के आया या उनके लिए उनके शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उनको सर्विस के लिए सुविधा दी जाए, ये सारी बात लेकर के हम लोग उनके बीच में ठीक है। देखिए जिस भीम चौपाल की बात कर रहे हैं, पंचायत ने कौन आरक्षण दिया हुआ, जो मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद जीत के आ रहे हैं समुदाय को, पहले तो ये आरक्षण भी नहीं था। अब पढ़ाई में बाबा साहब का कहना था शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है, जिस हिसाब से उस वर्ग में जा करके शिक्षा का प्रचार प्रसार भी निकाल जितना स्कॉलरशिप मिल रहा है, जितना उनको हर एक जिला में आज विकास कम्युनिटी के लिए छात्रावास बनाया है, अनाज दिया जा रहा है, उनको दिक्कत नहीं है। जो बीपीएससी और सिविल सर्विस के परीक्षा में उनको पास प्रीलिम्स पास करता है उनको एडिशनल पैसा दिया है, खास करके शिक्षा के प्राधिकारी का राज्य का इतना बड़ा फोर्स बना है, ज़्यादातर तो उसी बैकग्राउंड से जो महिलाएँ निकल करके गई हैं, तो उसमें सारा काम उसको उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। आज चौपाल के लिए बिहार के पार्टी के कार्यक्रम यही सब बात आप मेरे ही जवाब सुन
देखिए हमारे नेता में मात्र एक गड़बड़ी रही कि वो प्रचार में कभी भरोसा नहीं किया, वो काम में भरोसा किया। ये पहली बार हमारी पार्टी ने अपने कामों को चौपाल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जितनी काम कि हमारी नेता ने किया था आप सोच भी सकते थे। तो छोटी सी बात, ये जल नल योजना, कभी इस समाज के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता था, नीतीश कुमार ने घर घर पहुंचा दिया। ये साधारण बात है क्या? पानी आता रहा घर एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट राजनीति नहीं कीजिए, अभी इसमें मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि उनकी ये सोच जो है वो कितनी ज़बरदस्त है। और जो प्रश्न इन्होंने कर दिया कि पानी नहीं पहुँचा है, यह अगर कहीं गड़बड़ी है तो पंचायत लेवल पर गड़बड़ी है, पंचायत प्रतिनिधियों ने किया है, नीतीश कुमार जी का गड़बड़ी नहीं है। नीतीश कुमार की वो सोच थी जिसके कारण वह कि पानी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए के लिए बराबर विवाद होता आता था, उसको उन्होंने घर तक पहुंचा दिया। शराबबंदी की बात मैं कहता हूँ आपको, नीतीश बाबू ने 5,000 करोड़ रुपये का दरकिनार कर दिया और वो आपको कहा कि शराब मत पीजिए, आप पीने के लिए तड़बड़ाए हुए हैं, गंदी शराब पीने के लिए जो कहीं कहीं से लोग ले आते हैं। कुछ लोग तो आप डाटा देखे हैं, 98% महिलाओं ने इसके पक्ष में वोट दिया है, 92% वोट पुरुषों ने इसके पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया है, यह है डाटा। तो मात्र 8% लोगों ने गड़बड़ी कर रहा है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। नीतीश कुमार है, सब कुछ मुमकिन है। हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को यह फरमान दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, संविधान बना करके भारत के जो वंचित समाज थे उन्हें अधिकार देने का काम किया, इस वंचित समाज को जिस तरह आज केंद्र की सरकार ठग रही है, हम आज इस भीम चौपाल के माध्यम से, इस भीम संवाद में हम केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, एक तरफ वो हिंदू हिंदू का नारा देकर के हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस तहजीब को वो तोड़ना चाहते हैं, भाई भाई में आदमी आदमी में नफरत फैला करके इस हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। इस देश की जो संपत्ति हमारे पुरखों ने जो काफ़ी लगन और मेहनत से, हजारों साल की मेहनत से इस देश को बनाया, सींचा संवारा, हमारे देश की अमूल्य धरोहर को, अमूल्य संपत्तियों को आज केंद्र की सरकार बेच रही है, इन सारी बातों को हम लोग आज जनता दल के साथी, हमारे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे दलित और वंचित समाज के जो आज हजारों की संख्या में हमारे साथी आए हैं, आज हम लोग इस भीम संवाद में बैठ करके हम अपने नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 17-18 वर्षों से जो उन्होंने बिहार का विकास किया है, आज हम उस विकास